16 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय जनसमर्थन पार्टी के तत्वाधान में वीरांगना उदा देवी के शहादत दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व गांव के लोग पहुंचकर वीरांगना उदा देवी को श्रद्धांजलि अर्पित कर दिए जलाए और उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद एक जुलूस निकालकर उदा देवी की कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तानी व उदा देवी अमर रहे के नारे लगाते हुए बलापुर चौराहे पर एकत्रित हुए। उदा देवी की कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तानी, उदा देवी की कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तानी, उदा देवी की कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तानी, उदा देवी की। जहां पर सभा का आयोजन किया गया, सभा में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री अजीत भास्कर जी ने कहा कि वीरांगना उदा देवी की शहादत को आज जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। वीरांगना उदा देवी आज के ही दिन 16 नवंबर 1857 को 36 अंग्रेजों को सिकंदर बाग लखनऊ में अपनी गोलियों से मारकर मौत के घाट उतारा था और बाद में शहीद हो गई। आज उदा देवी की कुर्बानी के बारे में लोग कम जानते हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार से अमर शहीद वीरांगना उदा देवी की वीर गाथा को सरकारी स्कूलों बच्चों को पढ़ाने के लिए एक पाठ के रूप में शामिल करने की मांग की है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अरविंद कुशवाहा की।